राखी। ठीक है गाइस, अभी मैं चलती हूँ, बाद में मिलते हैं। हाँ जा जा, अब तो तुझे फ्रेंड्स की क्या जरूरत, तेरा बॉयफ्रेंड जो आ गया है, तुम लोगों भी ना, चल बाय। ये राखी और राहुल एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं ना। हाँ, और इन दोनों की जोड़ी भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। और राहुल बता, तेरा कॉलेज कैसे चल रहा है? मेरा तो ठीक ठाक चल रहा है, और तेरा? मेरा भी ठीक था। राहुल, कल हमारे रिलेशन को पूरे 3 साल हो जाएंगे ना? ठीक बोला तुमने, ये 3 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। हाँ। और राहुल, कॉलेज कंप्लीट होने के बाद हम दोनों शादी तो करेंगे ना? हाँ, पर पहले कॉलेज तो कंप्लीट होने दे, उसके बाद शादी तो कर लेंगे। तो एक काम कर, राहुल का बारे में घर वालों को बता दे। अंबिका, ये तो क्या कह रही है, तुझे पता नहीं है कि राहुल अदर कास्ट का लड़का है? अगर राखी के प्यार के बारे में उसके घर वालों को पता चला तो राखी के प्यार का दी है। मंदिरा, मेरे घर वाले कास्ट के लिए तो मना नहीं करेंगे, पर हाँ, मेरे घर वाले लव मैरिज के खिलाफ है। तू क्या करेगी राखी? राखी, मेरे पास एक आइडिया है, तू और राहुल घर से भाग जा। मंदिरा, तू पागल हो गई है, राखी को घर से भागने बोल रही है। तो और क्या करूं? और कुछ उपाय भी तो नहीं है। हाँ मंदिरा, तूने ठीक कहा, मैं राहुल के साथ भाग जाऊंगी। नहीं नहीं राखी, तू ऐसा नहीं करेगी। नहीं, मैं ऐसा ही करूंगी, मैं राहुल के साथ भाग जाती हूँ। हम तेरे साथ नहीं, ये गलत है, मैं तुम लोग का इस गलत काम में साथ नहीं दूंगी। ठीक है, तू साथ नहीं देगी तो क्या हुआ, मंदिरा और सिमी मेरा साथ देंगे। और वैसे भी अगर तू एक दोस्त के साथ नहीं दे सकती तो मुझे भी तेरे जैसे दोस्त की कोई जरूरत नहीं है। अंबिका, तुझे अगर राखी के साथ नहीं देना है तो मत दे, हम दोनों राखी के साथ है। अगर हम गलती है तुझे लगता है तो तू हमारे साथ मत रहे। ठीक है, तुम लोग को जो करना है करो। जाने दे इसे अंबिका को। सिमी, तू राहुल को फोन करके बुलाना यहाँ। हेलो राहुल, राहुल आ गए। राहुल क्या हो रहा है, तू रो क्यों रहा है? मंदिरा, क्या हुआ इसे, बोल तो सही। राहुल, राखी के घर वाले उसके लिए लड़के ढूंढ रहे हैं, इसलिए ये रो रही है। राखी, ए मंदिरा क्या बोल रही है? मंदिरा ठीक कह रही है। राहुल, राहुल हमें भागना होगा। क्या? हाँ, हमें भागना ही होगा, नहीं तो मेरे घर वाले किसी और लड़के के साथ मेरी शादी करा देंगे। हाँ राहुल, राखी ठीक कह रही है, तुम दोनों भाग जाओ, वो भी कल के कल ही भाग जाओ। ठीक है राखी, तू रो मत, हम कल भागेंगे, कल फुलबाड़ी ब्रिज के सामने आ जाना 4 बजे। थैंक यू राहुल। ठीक है, हाँ अभी हम चलते हैं, कल मिलेंगे हाँ फुलबाड़ी ब्रिज में 4 बजे। चल बाय। हट यार, अब मैं क्या करूँ यार, मैं तो फंस गया। राखी, तू तो कल भागने वाली है। गाइस, मैं ठीक तो कर रही हूँ ना? तू एकदम ठीक कर रही है, अगर भागेगी नहीं तो और क्या करेगी? शादी के बाद हमें भूल तो नहीं जाएगी ना? कभी भी नहीं, चलो तैयारी करनी है। हाँ
ये राखी कहाँ रह गई? हमें मिलने बुलाया अभी तक आया नहीं। वो देख आ गई। I'm so sorry guys, मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया ना। क्या करूँ, ट्रैफिक में फंस गई थी। कोई बात नहीं। और बता कि जीजू कैसे हैं? वो अच्छे, वो बोल रहे थे कि किसी दिन तुम दोनों को घर में बुलाए। हाँ हाँ बोलना, कब आए? जब तुम लोग चाहो। राखी तू खुश तो है ना? हाँ मैं बहुत खुश हूँ। राज बहुत अच्छे इंसान है, वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मैं बहुत लक्की हूँ कि मुझे राज जैसे हस्बैंड मिले। देख के बहुत अच्छा लगा कि तू बहुत खुश है, वरना उस दिन तो। थैंक यू राहुल। ठीक है हाँ अभी हम चलते, कल मिलेंगे हाँ फुलबारी ब्रिज में 4 बजे। चल बाय। राखी आज तो भाग रही है, कैसा लग रहा है? एक्साइटेड एंड नर्वस दोनों ही, पर हाँ मम्मी पापा को बहुत मिस करूँगी। हम दोनों भी तुझे बहुत मिस करेंगे, पर खुशी मुझे इस बात की कि तुझे तेरा प्यार मिल रहा है। राहुल तो 4 बजे आएगा बोल रहा था ना, अभी तो 5:30 बज चुके हैं, वो अभी तक आया क्यों नहीं? शायद आता ही होगा। राखी तुमने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तो ले लिए है ना? हाँ मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स ले लिए। सुनना मेरे मम्मी पापा का थोड़ा ध्यान रखना है। उसकी तो टेंशन मत कर, मैं और मंदिर है ना। पर ये राहुल अभी तक आ क्यों नहीं रहा है? टाइम देखना कितना बज रहा है, 6 बजने वाले, आ क्यों नहीं रहा है? आ तो जाएगा ना? आ जाएगा। मंदिरा तू थोड़ा राहुल को फोन लगा ना। क्या हुआ? फोन स्विच्ड ऑफ आ रहा है। स्विच ऑफ आ रहा है, शायद बैटरी नहीं होगा। हाँ टाइम ही नहीं मिला होगा। 7 बज चुके हैं, अभी तक राहुल आया क्यों नहीं है? राहुल का मैसेज है। क्या बोल रहे हैं? मैं नहीं आ सकता सॉरी। क्या बोल रहे हैं? राहुल राहुल नहीं आएगा। मैं फोन करती हूँ। फोन तो लग ही नहीं रहा है। फोन स्विच ऑफ हो रहा है। कैसे नहीं आ सकता राहुल? राहुल कैसे नहीं आएगा? जीवित देख राहुल। राखी राहुल का फोन स्विच ऑफ है, वो शायद नहीं आएगा। राहुल नहीं आ रहा है मंदिर। राहुल नहीं आ रहा। राखी रो मत, घर चल। अपनी मम्मी पापा को धोखा देके घर से भाग रही थी। सॉरी मामा, अब से मैं वही करूंगी जो आप बोलोगे। चल मंदिर घर। छोड़ना मंदिर है वो सब बातें मैं भूल भी चुकी हूँ। और वैसे भी वो कहते ना जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। शायद मेरे जिंदगी में राज जैसे हस्बैंड आने वाले थे, इसीलिए उस दिन राहुल आया ही नहीं। और बता राखी जीजू का बिजनेस कैसा चल रहा है? अभी फिलहाल तो सब ठीक ही है। सुनना मुझे थोड़ा जल्दी निकलना होगा। हाँ अरे यार 5 बजने वाले, ठीक है अब मैं निकलती हूँ। हाँ चल अभी तेरे साथ ही चलते हैं। ठीक है चल 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 जल्दी चल। हाँ चल चिमी जल्दी। कुछ कर भाई, मुझे एक जॉब की बहुत जरूरत है। मैं तुझे बाद में कॉल करता हूँ। ये राहुल तो इधर ही आ रहा है। राखी टेंशन मत ले, बस तू इस राहुल से बात मत कर। राखी कैसी हो? अब तुमने शादी भी कर ली? मैंने शादी कर ली। मंदिरा मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। राखी रुकना,
तुमसे कुछ बात करनी। पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। राहुल अब तुम्हें क्या बात करना है राखी से? मुझे पता है तुम लोग मुझसे नाराज हो, मैंने गलती की। देखो राहुल, राखी की आप शादी हो चुकी है, वो अपने मैरिड लाइफ में बहुत खुश है। और तुझे पता है उसका हस्बैंड कौन है? सिलीगुड़ी के बहुत बड़े बिजनेसमैन राज विश्वास से। राज विश्वास? मतलब वो सिलीगुड़ी के सबसे बड़ा बिजनेसमैन? हाँ, और राखी अपनी मैरिड लाइफ में बहुत खुश है। राखी तुम्हें भूल चुकी है, अच्छा होगा कि तुम भी उसे भूल जाओ। चल सुनिए, आपको पता है ये प्लेस मेरा फेवरेट प्लेस है। मैं यहाँ शादी से पहले ना अपने दोस्तों के साथ घूमने आया। हाँ चले। राज कोई आपको बुला रहा है। अरे राहुल, कैसे मेरा भाई? अरे बड़ा, तू कैसे भाई? मेरा तो चल ही रहा है। कौन है ये? अरे इनसे मिलो, ये मेरा कॉलेज फ्रेंड है। नमस्ते भाभी जी। यार शादी भी कर लिया और बुलाया भी नहीं, बट कॉन्ग्रेचुलेशन यार। थैंक यू बॉस, थैंक यू। कैसे हो भाभी जी? ठीक हूँ। पर राज तूने गलत किया, मुझे शादी में नहीं बुला के। अरे यार तुझे क्या, मैं किसी को बुला ही नहीं पाया शादी पे, चट मंगनी फट गया हो गया। गुस्सा मत कर। ठीक है चलिए ना, हमें लेट हो रहा है ना। हाँ चलते हैं। ठीक है भाई बैठ। राज तुझे एक बात बोलूँ? बोल। मुझे भाई तेरा हेल्प चाहिए। राज मुझे एक जॉब का बहुत जरूरत है, अगर देखना भाई तेरे पास कोई जॉब होगा। अरे मेरे कंपनी में बहुत जॉब अवेलेबल है, तू नंबर नोट कर मेरा। ओह शिट यार, मैं तो कल ही सिम लिया है। एक काम करो तुम अपना नंबर दे दो। मेरा नंबर क्यों? अरे अपने यार में दे दो, कुछ नहीं होगा। ठीक है 9209। थैंक यू। चल रहा फोन करना। ठीक है अब हम निकलते हैं। चल ठीक है भाभी, कॉल करूँगा, रिसीव करना। ठीक है। एक बात बोलूँ, आपने उन्हें मेरा नंबर क्यों दिया? अरे कुछ नहीं होगा, वो मेरा दोस्त है। चलो क्या हुआ, किस सोच में पड़ गए तुम? कुछ नहीं चलिए। किसका फोन है? हेलो। हेलो कौन? तेरा आशिक, पहचाना नहीं क्या? इतने जल्दी से कैसे भूल गई तू? तुमने मुझे फोन क्यों किया है? दोबारा मुझे फोन मत करना। ये मुझे फोन क्यों कर रहा है? मैंने कहा ना मुझे फोन मत करना। चुपचाप मेरी बात सुन, और मैंने तुझे व्हाट्सएप में कुछ भेजा है, जल्दी से देख। ये फोटो भेजने का क्या मतलब है? मतलब ये कि मुझे पैसा चाहिए, और चुपचाप पैसा भेज। मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है पैसे नहीं है ना, अब देख तेरी और मेरी सारी फोटो मैं तेरे हस्बैंड को भेजता हूँ। तुझे जो करना है तू कर। वो देख राखी, चल चलते। मुझे लग ही रहा था कि कुछ गलत होने वाला है, ये राहुल मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है। क्या हुआ राखी, तू तो इतनी टेंशन में क्यों है? तुम सबको अब मैं क्या बताऊं, वो राहुल ने ये देख, ये तुझे राहुल ने भेजा है। पर राहुल को तेरा नंबर मिला कहाँ से? वो मैं और राज कल पार्क घूमने आए थे, तो राहुल। राखी अब तू क्या करेगी? ता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और पता है राहुल ने मुझे धमकी दी है, अगर मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो ये सारे फोटो वो राज को भेज देंगे। क्या राहुल ने तुझे धमकी दी? चल अभी उस राहुल को ठीक करते हैं। नहीं नहीं सिमी, ऐसी सिचुएशन को शांति से हैंडल करना पड़ेगा। अगर ये बात राज को पता चली तो राखी की मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है। तू कहना क्या चाहती है? राखी राहुल को पैसा दे दे। राखी तू राहुल को पैसा दे दे और उसका मुंह बंद कर दे।
तू ठीक कह रही है मंदिरा, मुझे राहुल को पैसा देके उसका मुंह बंद करवाना चाहिए। तू मेरी मान राखी, तू राहुल को पैसा मत दे। नहीं सिमी, मुझे राहुल को पैसा देना ही होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो, और मेरी मैरिड लाइफ से मैं बहुत खुश हूँ। ले राहुल को फोन लगा और पूछ कि उसे कितने पैसे चाहिए। हेलो राहुल, मैं तेरी बात मानने के लिए रेडी हूँ, बोल तुझे कितने पैसे चाहिए। क्या 2 लाख? ठीक है, मैं तुझे 2 लाख देने के लिए रेडी हूँ, बोल कहाँ आना है। आ रही हूँ मैं, 2 लाख मांग रही है ये। राखी 2 लाख तेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, दे दे और मामला को सॉल्व कर। तू ठीक कह रही है, चल राहुल ने पार्क के पीछे वाले गेट है ना, वहाँ बुलाया है। चल फिर तुम लोग चलो, मैं पैसे लेकर आती हूँ, गेट में मिलते हैं। राहुल तुम दोनों, राखी कहाँ है? आ रही है। राहुल तूने तो बहुत अच्छा गेम खेला है, अच्छा ही हुआ कि तुम दोनों की शादी नहीं हुई। एक नंबर का घटिया इंसान है तू, और हम दोनों ने राखी को सलाह दी थी कि तेरे साथ भागने के लिए, अच्छा ही हुआ उस दिन तू आया नहीं। आना भी कौन चाहता था, मैं तो राखी से कभी प्यार भी नहीं किया, बस टाइम पास कर रहा था, और वो पागल शादी करने का बात कर रहा है। अच्छा ही हुआ कि तेरी ये बात राखी ने नहीं सुनी, अगर सुनी होती ना तो उसे बहुत बुरा लगता। मैंने सुन लिया है मंदिरा, पर मुझे कोई बुरा नहीं लग रहा है, पता है क्यों? क्योंकि मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। ये ले पूरे 2 लाख रुपए, और हाँ दोबारा मुझे कभी फोन मत करना। चल करूंगा मैं तुझे फोन, पर तब तक जब तक ये मेरे पैसे खत्म नहीं होते। राखी अच्छा ही है तूने राहुल को पैसे दे दिया, अब वो तुझे परेशान नहीं करेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो मुझे घर जाना। चल। हेलो मंदिरा, कहाँ है तू? हम लोग कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं। हम लोग आ ही गए। कहाँ? तेरे पीछे तो देख। हाय जीजू। हेलो बैठो। इतना लेट क्यों किया? मैंने लेट नहीं किया, ये लेट सिमी ने किया है। चुप कर, झूठ मत बोलो। मैंने लेट नहीं किया इसलिए। चलो छोड़ो ये सब बातें। वैसे जीजू आपको राखी ज्यादा परेशान तो नहीं करती है ना? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बस हफ्ते में 4 बार कॉफी पीने जरूर जाती है रेस्टोरेंट पे। क्योंकि वो मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है इसीलिए। हाँ राखी का वो फेवरेट रेस्टोरेंट है। मंदिरा चल ना, मुझे वॉशरूम जाना है। आप बैठे, हम वॉशरूम जाके आते हैं। चल। क्या हुआ राखी, तुझे सडनली वॉशरूम क्यों जाना है? मंदिरा ये देखने राहुल ने मैसेज किया है। मुझे फिर से पैसों की जरूरत है इस राहुल की। तो ना मैंने कहा ही था कि उसको पैसा मत। चुप करना, चलना साइड में जाके राहुल से बात करते हैं। हाँ चल। हेलो राहुल। ओ इसका मतलब तूने मैसेज देख भी लिया? हाँ देख लिया। मैंने तो तुझे पहले 2 लाख दे चुकी हूँ ना, फिर तुझे किस चीज के पैसे चाहिए? तुझे पता है मुझे किस चीज का पैसा चाहिए? साले 2 लाख भी तेरा मन नहीं भरा ना, तब हवाले कर देंगे ना, तब तेरे अपने ठिकाने में आ जाएगा, समझा? हाँ कर दे कंप्लेन, मेरा थोड़ी कुछ जाएगा, तेरी दोस्त की बदनामी होगी। साले तेरी तो धमकी मत दे, चुपचाप 3 लाख रुपए लेके वो पहली वाली जगह पे आ जा। इसको पैसे मत दो। ठीक है अब हम क्या करें, 3 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगी मैं? राखी अब टाइम आ गया है, तू जीजू को सब सच बता दे। नहीं नहीं मैं ये सब उनको कैसे बताऊं? राखी मंदिरा ठीक कह रही है, तू जीजू को सब सच बता दे, अगर जीजू तुझसे सच्चा प्यार करते हैं तो तेरा साथ देंगे। नहीं मैं उन्हें ये सब नहीं बता सकती, हमारा रिश्ता टूट जाएगा, मैं ये कभी नहीं बताऊंगी। पतंगों में होली बांध रहे।
मुझे पता था तू मेरे पास पैसा लेके जरूर आएगी। राहुल तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तूने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं और अच्छा किया है। अमीर लड़के के साथ शादी कर गई। मेरा जब भी पैसे की जरूरत होगा मैं तुझसे मांगूंगा और मुझे पता है तू दे भी देगी, क्योंकि तुम जैसा लड़कियां ना अपनी शादी बचाने के लिए मतलब कुछ भी कर सकता है। हाँ, हम लड़कियां शादी बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हमें शादी का महत्व पता है। लेकिन ये सब बातें तेरे भेजे में आने वाली नहीं है, क्योंकि तेरे जैसे लोग ना प्यार को भी खेल बना देते हो। आज समझ में आ रहा है कि मेरे माँ बाप लव मैरिज के खिलाफ क्यों थे, क्योंकि तेरे जैसे ही लोग जो रहते हैं इस दुनिया में। सही कहते हैं सब, माँ बाप कभी गलत हो ही नहीं सकते, कभी भी नहीं। हो गया तेरा भाषण, चुपचाप पैसे दे और निकल यहाँ से। हाँ दे दूंगी ना पैसे, पहले तू एक बार उधर तो देख। अभी तक नहीं आए, जाके देखता हूँ एक बार। मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ और मैं उनको खोना नहीं चाहती किसी भी हाल में, किसी भी हाल में खोना नहीं चाहती। जीजू, वो जीजू हम। इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे बताने की जरूरत तक नहीं समझी? वो जीजू मैंने तुमसे नहीं पूछा, राखी से पूछा। मैं आपको बताने वाली थी पर क्या? मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे राखी। मैं आपको बताने वाली थी पर मैं डर गई थी, और मैं कैसे बताती कि शादी से पहले मेरा एक बॉयफ्रेंड है जो अभी मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। तुमने मुझे बताने की एक बार भी जरूरत नहीं समझी? सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। देखो राखी, तुम मेरी पत्नी हो और शादी के टाइम पे मैंने तुम्हें वचन दिया कि तुम पे कोई आंच नहीं आने दूंगा, तो तुमने ये बात छुपाई क्यों मुझसे? प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे इतनी बड़ी बात छुपाई। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं। और हाँ, राहुल जैसा बोल रहे हो वैसा करो, पर कुछ नहीं, जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करो तुम। हाँ ठीक है, आप जैसा बोलोगे हम वैसा ही करेंगे। इस राहुल को अब मैं देख रहा हूँ, चलो। भाग कहाँ रहा है भाई, पैसे तो लेकर जा तेरा। बहुत शौक था ना तुझे लड़कियों को ब्लैकमेल करने का, अब ये फुटेज पुलिस के पास जाएगा तेरा। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे एक भी पैसा नहीं चाहिए, मुझे जाने दो। छोड़ देंगे, एक बार तुझे पुलिस के हवाले तो कर दे। मंदिरा पुलिस को फोन कर। चाहता तो मैं तुझे और भी मार सकता था, पर मैं कीचड़ पे पत्थर नहीं मारता। तेरे जैसे लड़के के लिए ना जेल ही सबसे अच्छी जगह है। अच्छा ही हुआ वो राहुल जेल चला गया, अब उसका अकल ठिकाने आएगा कि किसी को ब्लैकमेल करने का अंजाम क्या होता है। अगर तुम मुझे ये बात पहले ही बता देती तो आज राहुल को हिम्मत नहीं होता कि वो तुम्हें ब्लैकमेल कर सके। सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। और राखी हमें भी तो माफ कर दे, हमने ही तुझे राहुल के साथ भागने की सलाह दी थी जो कि बहुत गलत था, और आज हमें रिग्रेट हो रहा है। पर इस हादसे से मुझे ये बात समझ आ गई है कि हमारे माँ बाप कभी गलत हो ही नहीं सकते। वो रूठे तो खुदा भी रूठे, साथ छूटे ना।